Hello students, today we will discuss the poem first of your BHAI book, and the poem name is Road Not Taken. It was written by Robert Frost. Then हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी पढ़ेंगे, और पोएम में जो भी डिफिकल्ट मीनिंग वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स भी साथ साथ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन. हियर रोड इज हैविंग अ लॉट ऑफ हिडन मीनिंग्स. रोड रेफर्स टू द लाइफ. हेयर रोड रेफर्स टू द लाइफ इन दिस पोएम. आई मीन टू से डैट कि जो रोड है हमें ये नॉर्मल रोड की तरह लिया गया. पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग द रोड विद सम हिडन मीनिंग्स. और उसमें हिडन मीनिंग्स क्या है, वो हमारी लाइफ के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि हमारी लाइफ में भी अब वो पॉइंट भी, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रखा, एक रोड पे खड़े हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एंड दूसरा अपोजिट साइड जा रहा है. तो अब डाइवर्स हो रहा है रोड दो डायरेक्शन में. तो आप एक ही रास्ते पे जा सकते हो, या तो इस पे जा सकते हो या उस पे जा सकते हो एक क्षण में. इसका मतलब वन मोमेंट में कि आप दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकते, एक ही रास्ते को ट्रेवल कर सकते हो. ऐसा ही हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हमेशा जब भी हम किसी मोड पे खड़े होते हैं, जैसे आप 10th के बाद ही मान लो, 10th के बाद आप स्ट्रीम चुनोगे, तो चार स्ट्रीम है, तो आप एक ही स्ट्रीम उसमें से चूज कर सकते हो. आप चारों स्ट्रीम नहीं चूज कर सकते कि नॉन मेडिकल भी ले लिया आपने, आर्ट्स भी ले लिया, कॉमर्स भी ले लिया, तो या मेडिकल भी ले लिया, तो उसमें से एक चीज आपको चूज करनी होगी. वो पॉइंट बता रहा है कि लाइफ में ऐसे डिसीजन हमने बहुत ही वाइजली लेने चाहिए और बायस लेने चाहिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए. क्योंकि एक बार जो आपने ले लिया, देन आप दोबारा से, जैसे आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का, 10th में अगर आप 10th के बाद एक बार स्ट्रीम चूज कर लेते हो, देन आप स्ट्रीम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो कि कॉलेज में जाके आपको, मेरे को तो दोबारा स्ट्रीम चेंज करनी है. तो वो आपने रोड ले लिया. अब वो बात कर रहा है कि रोड नॉट टेकन, जो रास्ता उन्होंने नहीं तय किया. इसका मतलब दो ऑप्शंस होते हैं हर बार हमारे पास, दो या थ्री, उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट हम क्या चूज क्या करते हैं, वन. जो रह गया उसका क्या होगा, जैसे कि आप स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम की या कॉमर्स की, जो रह गया उसका क्या होगा, आगे की लाइफ में जाके आपको फ्यूचर में पता लगेगा कि आपने सही ही रोड चूज किया था या नहीं किया था. बट जो रोड चूज नहीं किया था उसके एक्सपीरियंसेस भी नहीं आप बता सकते, ना ही उसके कॉन्स एंड प्रोज. बट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप क्या ऐसे मोड पे खड़े हो, ऐसे फोक पे खड़े हो जहाँ पे दो रोड डाइवर्स, इसका मतलब आपके पास दो चॉइसेस हो, तो वहां पे आप वाइजली काम कर सकते हो और सोच सकते हो. लेट स्टार्ट विद द स्टेंजा वन. टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन और मीनिंग के साथ करते हैं ये फर्स्ट स्टैंजा. तो इसका क्या, टू रोड डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे कि आप देख रहे हो ये खड़े है और ये टू डायरेक्शन में क्या जा रहा है, रोड जा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम डाइवर्जन. और इसे फॉग भी बोल सकते हो आप, जब दो रास्तों में कोई बढ़ जाता है एक रास्ता. तो अब पॉइंट क्या खड़ा है, एक जगह पे खड़ा है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और दो जगह डाइवर्स हो रहा है रोड. सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता, एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता. तो अब एक टाइम पे वो एक ही कर सकते हैं. तो अब दो रोड डाइवर्स हुए उनके. येलो वुड का मीनिंग होता है फॉरेस्ट. इसका मतलब येलो का यहाँ पे मतलब है कि पत्ते झड़ गए हैं, फॉरेस्ट सूखा हुआ है, और वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट. अब वो फॉरेस्ट में खड़ा है, फॉरेस्ट के रास्ते पे खड़ा है वुड के, और वहां पे क्या दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्स हो रहे हैं. डाइवर्स का मतलब भी होता है बढ़ जाना, कि दो में बढ़ जा रहे हैं. बट अब वो क्या हम करें, सॉरी मांग रहे हैं कि वहां पे खड़े होके, वो कोने पे, येलो वुड के कोने पे खड़े हैं जहां पे से रोड डाइवर्स हो रहा है, एक वन साइड एंड दूसरा अपोजिट साइड. और वो क्या सॉरी मांग रहे हैं कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही रास्ते पे जा सकते हैं और उनके लिए दोनों ही रास्ते नहीं हैं, और अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है कि दोनों ही रास्ते उनके लिए न्यू है और वो किस रोड पे जाए किस पे ना जाए। अब उनको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि हम देखते हैं कौन सा ट्रेवल करें। एंड बी वन ट्रेवलर, अब वो कह रहे कि एक ट्रेवलर हो, मैं अकेला हूं, मैं दोनों रोड तो एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, एक टाइम पे एक ही जगह जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहां पे बहुत देर तक खड़ा रहा और मैं जितना दूर तक देख सका उतना दूर तक मैंने उस रोड को देखा। अब टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, कि अब वो जितना दूर तक देख सकते थे देख रहे थे कि वो कहाँ तक वो रोड जा रहा है जितनी उनकी सीमित थी। ये तो डायरेक्टली कह रहा है वो रोड का एग्जाम्पल लेके जो पॉइंट है, टू वेयर इट इन द अंडरग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस, कि अंदर जाके क्या था, बहुत ज्यादा घने प्लांट्स थे और बुशेस थी। अब वो पूरा रोड नहीं देख पा रहा है, बस कुछ ही देख पा रहा है। ये तो इनडायरेक्टली वे में बोल रहा है जो पॉइंट है रोड को लेके, बट अपनी लाइफ में भी आप देखोगे तो ऐसा ही होता है। जब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे, एक फोक पे आ जाओगे, तो आपके लिए दो रास्ते क्या हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे, और आपको उनमें से एक चूज करना होगा। और आप दोनों रास्ते चूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चॉइसेस आप एक साथ, दोनों स्ट्रीम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो दोनों चॉइसेस आप एक साथ नहीं ले सकते। जैसे कि आप 10th के बाद 11th में होंगे तो तीनों स्ट्रीम नहीं ले सकते, एक ही स्ट्रीम ले सकते हो। तो ऐसे ही हमारे हर एक के साथ लाइफ में होता है। तो पॉइंट यही समझाना चाह रहा है, तो उस वक्त आपको खड़ा होना चाहिए वहां पे, टाइम लेना चाहिए और चॉइसेस के बारे में देखना चाहिए, उसके प्रोज कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ देख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा, टू देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब सेकेंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। देन टुक द एज फेयर का मतलब है यहाँ पे एज गुड एज द अदर वन, बेटर क्लेम का मतलब बेटर ऑप्शन, ग्रासी का मतलब हेयर अनयूज्ड, वियर का मतलब वांटेड, वियर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड। लेट्स स्टार्ट, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो दोनों ही रास्ते से, जो ये रास्ता था और जो दूसरा रास्ता था, वो दोनों ही देखने में तो सेम लग रहे थे, कि एज फेयर इसका मतलब देखने में तो बिल्कुल ही सेम लग रहे थे कि एक जैसा लग रहा था, वैसे उसके भी प्रोज एंड कॉन्स थे, कुछ दूसरे के भी प्रो एंड कॉन्स थे। तो अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो वहां पे खड़े होके देख रहे थे ध्यान से कि कौन सा बेहतर है। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि शायद उनको बेटर ही ऑप्शन लगा जिस पे वो चले थे उस वक्त, जब भी उन्होंने वो चूज किया जिस ऑप्शन आज वो है जहाँ पे, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था। ग्रासी का मतलब यहाँ पे अनयूज, इसका मतलब जहाँ पे बंदे चले नहींगे, इंसान चले नहींगे, तो वहां पे घासें उग जाती है ना, चलने वाले रास्ते पे तो घासें उखड़ जाती है पैरों के नीचे से। तो ये ग्रासी कहने का मतलब है पॉइंट का कि उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे, तो वो वाला रास्ता चूज किया किसने, पॉइंट ने। एंड वांटेड वियर, अब वो कह रहा कि ये बिल्कुल ही यूज नहीं हुआ था, ग्रासी था और ये कभी भी यूज नहीं हुआ था। तो अब इन अ लाइफ भी वो कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा पाथ उन्होंने चूज किया कि जो किसी ने भी चूज नहीं किया था, वो कुछ यूनिक कर रहे हैं, सबकी तरह भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं। तो अब पॉइंट आगे क्या कहते हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वो कह रहा है जब मैं उस रास्ते पे चला तो मेरे को लगा कि वो रास्ता भी बिल्कुल ही क्या कहते हैं रियलिटी, रियलाइजेशन उनको क्या हुई, रियलिटी में वो भी क्या था, सेम ही था, जैसा दूसरा रास्ता दिख रहा था वैसा ही वो भी था। पर वैसे ही जब मैं फोक पे खड़ा था, इसका मतलब डाइवर्जेंट के पॉइंट पे खड़ा था, जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये कम यूज किया गया रास्ता है, बट जब मैं आगे चला तो मेरे को लगा कि ये भी रास्ता बिल्कुल ही सेम है।
अब हम लाइफ का एग्जांपल ले, तो अब रोड उन्होंने इनडायरेक्टली वे में रोड बोला गया, बट वो बता रहे हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं वो। तो वो क्या बता रही है कि मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, जो रास्ता चूज किया वो बिल्कुल ही ऐसे फेयर लग रहा था कि जैसा कि दूसरा था, इतना ही अच्छा लग रहा था जितना दूसरा लग रहा था, बट मेरे को फिर भी शायद ऐसे लग रहा था कि मैंने बेटर ऑप्शन चूज किया है। क्योंकि हमें हमेशा ही अपने डिसीजन पे गर्व रहता है ना कि मैंने बेटर, मैं रहता है हमेशा हमारे अंदर कि मैंने किया, जो किया मैंने किया, और जब गलत हो जाता तो किस्मत ने किया। तो अब वो कह रहा है कि मैंने बेटर ऑप्शन शायद से चूज किया, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा लगता था ये ग्रासी है, ये बहुत कम लोगों ने यूज किया है ये वाला रास्ता, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जो चॉइस मैंने ली है बहुत कम लोगों ने ली है, और ये कुछ यूनिक है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, सबकी तरह मैं भी भेड़ चाल में नहीं चल रहा। बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ ये भी वैसा ही सेम है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रोडन का मीनिंग है वॉकड ओवर। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब पॉइंट क्या कहना चाहता है, एंड दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग में, इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, इसका मतलब वो क्या है कि कोई भी उस समय दोनों ही रास्ते बिल्कुल सेम लग रहे थे, ये सुबह के समय था जो, और वो बिल्कुल ही सिमिलर लग रहे थे, सेम लग रहे थे, और दोनों पे क्या था, लीव्स बिखरी हुई थी। तो कोई भी लीव, इसका मतलब ब्लैक का मतलब है यहाँ पे ग्रीन थी सारी की सारी लीव, कि कोई भी ये ब्लैक नहीं हुई थी चलने के कारण, क्योंकि वहां पे कोई चला ही नहीं था, दोनों रास्ते ऐसे लग रहे थे कि दोनों रास्तों पे कोई चला नहीं है कभी भी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक रोड जो उन्होंने अदर रोड, दूसरा रोड चूज किया था, दूसरा पाथ चूज किया था, एक पाथ रह गया, दोनों पाथ एक साथ तो चूज नहीं कर सकते वो, दूसरा अगले दिन के लिए, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब वो सोच रहे हैं कि वो कौन से वे पे जाएंगे, क्योंकि हर एक रास्ते के दो रास्ते निकलते हैं, फिर आगे जाके वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक रास्ते पे चल पड़ा, जैसे कि आप देख रहे हो मैं बना के दिखा रहा हूं कि एक रास्ते पे वो चल पड़ा, तो आगे जाके फिर से डाइवर्जेंट होगा, फिर से डाइवर्जेंट होगा, वो चलता जाएगा, तो वो लीड्स टू न्यू वे होगा कि अलग ही रास्ते पे वो चलने लगेगा, कि वो वापस नहीं आ सकता, दोबारा लौट के नहीं आ सकता है कभी भी, क्योंकि एक रास्ता आपने चूज कर लिया तो वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, अब वो, अब पाथ की बात करें, हम दिल्ली के रास्ते पे चले गए तो हम क्या वापिस कहाँ पंजाब की तरफ जा सकते हैं दिल्ली के रास्ते पे चल के? अगर हम दिल्ली के रास्ते पे चलेंगे तो दिल्ली ही पहुंचेंगे, पंजाब नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे ही राइटर कह रहा है कि मैंने एक पाथ अगर चूज कर लिया तो मैं उसको वापस नहीं आ सकता। हम एज अ ऑर्डिनरी जर्नी की बात करें तो वापस आ सकते हैं, बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर लाइफ की बात करें, क्योंकि वो पाथ की यहाँ पे इंटरेक्टली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब वो क्या कह रहे हैं इस स्टेंजा में, साई का मीनिंग होता है डीप ब्रेथ, कि जोर से सांस लेना, गहरी सांस लेना। एजेस हैंस का मतलब होता है हेयर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर भविष्य में क्या होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, कि मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूं, गहरी सांस ले गए, इसका मतलब डीप ब्रीथ लेके वो बता रहे हैं, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि फ्यूचर में, अब वो फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि एक पॉइंट से वो जब चलेंगे, दो रास्ते डाइवर्ज होंगे वुड में, कि फॉरेस्ट में दो रास्ते डाइवर्ट होंगे, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक रास्ता चूज किया कि जो कि बहुत कम ट्रेवल किया गया लोगों के द्वारा, एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने सब कुछ डिफरेंस मेड कर दिया, इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अब राइटर का यहाँ पे पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, कि जब भी आप किसी भी मोड पे खड़े हो गए अपने लाइफ के,
तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वन ऑप्शन या टू ऑप्शन होगा, या पहले पाथ पे चले या दूसरे पाथ पे चले। अब राइटर कहते हैं वो आपके ऊपर है, डिसीजन आप कौन सा लेते हो। और फ्यूचर में जब आप फ्यूचर में होंगे, जब वो चॉइस लिए आपको बहुत साल हो गए होंगे, जब आपको पता लगेगा कि उसकी क्या इंपोर्टेंस थी उस पाथ की। और अब वो पॉइंट बता रहा है कि मैंने जो रास्ता ट्रेवल किया, इसका मतलब अपनी लाइफ में जो चॉइसेस की वो बहुत कम लोगों ने चूज की थी, तो मेरा वाइज डिसीजन था ये, और इसी ने मेरे को सब कुछ मेरा डिफरेंट कर दिया। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आप नाम जानते हो कि कितने बड़े वो पोएट एंड राइटर रहे हैं, तो अब वो अपना एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी लाइफ में जब भी डिसीजन लेना हो, जब दो चॉइसेस हो, तो बहुत ही वाइजली और सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा नहीं आ सकता वो टाइम। और यही पॉइंट समझाना चाहते थे इस पॉइंट में। अब लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ते हैं इसमें। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी है इसमें? पहले तो सिंबोलिज्म, क्योंकि पूरे पॉइंट में हम क्या सिंबल है क्या है सिंबोलिज्म के उसमें चल रहे हैं। यहाँ पे ये टू रोड्स क्या है, सिंबल्स है ये लाइफ का, चॉइसेस का, कि ये क्या जो कर रहा है, चॉइसेस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंबोलिज्म इसकी पहले लिटरेरी डिवाइस है। तो एंड सेकंड इज द एनाफोरा। एनाफोरा भी इसमें है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, जब क्या कोई वर्ड रिपीट हो, जैसे एंड 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 तीनों लाइन में, सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में क्या एंड रिपीट हो रहा है, तो इसलिए एनफ हो रहा है। अब इसकी राइमिंग स्कीम कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम हम कैसे करते हैं, राइमिंग स्कीम है इसकी वैसे ए बी ए बी। तो राइमिंग स्कीम देखते हैं राइमिंग वर्ड से। फर्स्ट और थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन में देखो, वुड स्टूड कुड और बोथ और अंडरग्रोथ ये क्या राइम कर रहे हैं। अब फिर क्या होगा, ए बी ए बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी। सेकेंड स्टैंजा हम पढ़ते हैं, इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। ये पूरी पोएम में यही होगी। आप जैसे देखो, फेयर वियर देयर, ये तीनों राइम कर रहे हैं तो इसका ए रख दिया हमने। क्लेम एंड सेम, ये राइम कर रहे हैं तो इसका बी रख दिया, तो क्या हो गया, ए बी ए बी, ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम होगी। अब इसमें वो देखते हैं लिटरेरी डिवाइस, पहली है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, वर्ड रिपीट हो रहा हो किसी लाइन में, जैसे इसमें डब्ल्यू रिपीट हो रहा है वॉन्टेड एंड वियर, अगली लाइन में फोर्थ लाइन में टी एच की आवाज, द की आवाज रिपीट हो रही है, दो डेड द डेयर, तो दिस इज द एलिट्रेशन इन दिस पैराग्राफ, एलिट्रेशन। अब पैराग्राफ थर्ड की तरफ चलते हैं, इसमें भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी सेम होगी। इसमें क्या है, ले डे वे, ये तीनों वर्ड राइम कर रहे हैं, ब्लैक एंड बैक ये राइम कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, ए बी ए बी। अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें क्या है, देखो आप एफ क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी एलिट्रेशन होगी। देन हम फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं, फोर्थ पैराग्राफ में भी सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी, साई आई बाय, हैंस और डिफरेंस ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो सेम राइमिंग स्कीम है फोर्थ स्टैंजा में भी। अब इसमें रिपीटिशन का भी यूज है। रिपीटिशन का क्या यूज है इसमें, रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइसेस है, एजेस एंड एजेस, पूरे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, एजेस एंड एजेस, तो ये क्या है, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, तो रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज हो रही है। अब वन और फोर स्टैंजा में आप देखोगे लाइन भी पूरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, ये वाली लाइन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एम्फसिस डालने के लिए कि दो चॉइसेस की उसमें। अब रिपीटिशन और एनाफोरा में ये डिफरेंस है, रिपीटिशन बीच में हो सकती है, पर एनाफोरा एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड होती है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होती है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस जब वर्ड रिपीट हो रहे हो तो उसे एनाफोरा बोलते हैं। रिपीटिशन होता है कि बीच में कोई भी वर्ड रिपीट हो रहे हो तो उसे वो बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, क्रूशियल क्या है इसमें, क्या क्रूशियल है, रोड्स टू रोड्स ही क्रूशियल है कि हम चॉइस क्या लेते हैं, तो इसलिए इस पे फोकस किया गया है, इस लाइन पे ही फोकस है, पूरी पोएम में है ही क्या, टू रोड्स पे ही फोकस है कि लाइफ में हम क्या चूज करते हैं। और ये हमारी पोएम कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू विनय थिंग्स क्लासेस। थैंक यू।